आप देख रहे हैं TNB। कौन बनेगा करोड़पति 15 के अपकमिंग एपिसोड में अमिताभ बच्चन पति पत्नी के झगड़े में उलझते हुए नजर आएंगे। जी हम बता दें कि शो का प्रोमो वीडियो रिलीज कर दिया गया है और इसे देखकर आप शायद ही अपनी हंसी रोक पाएंगे। अमिताभ बच्चन अपने सामने हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट से उसकी पर्सनल लाइफ पर बात करते दिखाई पड़ेंगे, जिसके बाद रिप्लाई में कंटेस्टेंट उन्हें बताएंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी को भीड़ के सामने खुलेआम प्रपोज किया था। वहीं इस वीडियो को देखकर ये प्रतीत होता है कि अमिताभ बच्चन मैरिज काउंसलर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट की कहानी सुनने के बाद उनकी पत्नी से पूछा कि क्या वो अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। इसके जवाब में कंटेस्टेंट की पत्नी ने कहा, नहीं अभी भी क्या ये इतने ही रोमांटिक हैं? नहीं सर, बिल्कुल ही टाइम नहीं देते। बताइए, रात को 12 बजे कभी कभी आते। मेरी मैरिज काउंसलर की उपाधि जो है वो तय हो गई। दोनों की बातचीत में पहले तो अमिताभ बच्चन काफी दिलचस्पी लेते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर सवाल जवाब और शिकायतों का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ गया कि अमिताभ के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में अमिताभ बच्चन फंस गए। बता दें कि अमिताभ बच्चन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए इस वीडियो में दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने सेट पर बैठे बैठे ही मेकर्स से मदद की गुहार लगा दी। आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अरे भाई कोई बचाएगा हमें। कौन बनेगा करोड़पति के इस खास एपिसोड का प्रोमो करवा चौथ के मौके पर रिलीज कर दिया गया है और कौन बनेगा करोड़पति के सेट का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रहा है। अमिताभ बच्चन की कंटेस्टेंट और उसकी पत्नी के साथ बातचीत के इस वीडियो को सोनी टीवी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलीज किया गया है। वीडियो को रिलीज करते हुए मेकर्स ने लिखा, दोनों ने शुरू किया शिकायतों का सिलसिला और अमिताभ बच्चन को बनाया अपना मैरिज काउंसलर। साथ ही आगे लिखा कि अब अमिताभ किस तरह सुलझाएंगे मामला। हालांकि ये वीडियो काफी मजेदार दिख रहा है, जहां अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर हॉट सीट पर बैठे बैठे मैरिज काउंसलर बन जाते हैं और पति पत्नी के झगड़े में उलझ कर रह जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।